हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानामं परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। नमस्कार दर्शकों, आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ जन्म कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र के प्रभाव को लेकर। इस भाव में शुक्र कारक होता है तो ज़्यादातर स्थितियों में तो ये नकारात्मक फल नहीं करता, लेकिन किसी एक लग्न में, मुझे अभी जहाँ तक ध्यान में आ रहा है कि किसी एक लग्न में ये अपने कारक भाव का नाश कर देता है। कारको भाव नाशकः वाले सूत्र लागू हो जाता है। चर्चा करेंगे कि कौन सा वो लग्न है, लेकिन उससे पूर्व हम इसके शुभ फलों पर चर्चा कर लेते हैं। सप्तम भाव में शुक्र उच्च का मूल त्रिकोण राशि, स्वराशि, मित्र राशि अथवा शत्रु राशि का भी बैठता है, तो ये आपको एक उच्च कोटि का बिजनेसमैन बना सकता है। बिजनेस में आप आकाश की बुलंदियों को छुएंगे। उच्च कोटि का सुंदर, सुशील, गुणवान, संस्कारी और कला प्रेमी जीवन साथी देता है। मेरे कुछ ज्योतिष भाई ये सोच रहे होंगे कि शुक्र सप्तम में कुछ नकारात्मक फल करता है, और वो क्या नकारात्मक फल करता है वो मैं उनकी बात को समझ गया कि वो क्या सोच रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है कि सप्तम भाव में शुक्र पाप रहित हो, यानी इस पर कोई पाप प्रभाव ना हो, शुभ प्रभाव में हो अथवा शुभ प्रभाव में ना हो, तो ये अकेला हो लेकिन शुभ स्थिति में हो, केवल नीच का नहीं होना चाहिए, तो मान लीजिए कि शुक्र यहाँ पर निगेटिव फल नहीं करेगा, इसके नकारात्मक फल नहीं मिलेंगे। जब मैंने बोल दिया कि नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे। ये नकारात्मक फल, ये अपना अशुभ फल तब ही कर सकता है जब ये पाप प्रभाव में सप्तम में आ जाए। उसमें भी शनि राहु केतु के साथ या तो युति में हो या उसकी दृष्टि में हो जाए, मंगल के साथ युति में हो या उसकी दृष्टि में आ जाए, तब ये अशुभ फल कर सकता है, अन्यथा एक सुखद वैवाहिक जीवन देता है। सप्तम भाव बिजनेस पार्टनर का भाव है। इस भाव में शुक्र बिजनेस के क्षेत्र में यदि व्यापार पार्टनरशिप के साथ किया जाए तो जातक को सफलता प्रदान करता है। जातक का जो बिजनेस पार्टनर मिलेगा वो काफ़ी वफादार होगा। जातक का जीवन साथी भी वफादार होता है। जो मैंने बताया कि यहाँ पर शुक्र कारको भाव नाशकः वाली सूत्र शुक्र पर लागू होती है यहाँ, तो वो कब लागू होगा? विशेष रूप से ये मीन लगन की कुंडली के लिए लागू होगा। जब सप्तम में मीन लगन की कुंडली के लिए शुक्र बैठेगा तो नीच का हो जाएगा, पहली स्थिति। दूसरा कि मीन लगन में ये अष्टम भाव और अष्टम से अष्टम तीसरे का स्वामी है, यानी प्रबल मारक ग्रह है। ये एक नैसर्गिक शुभ ग्रह भी है। बृहस्पति के बाद शुक्र दूसरा सर्वाधिक शुभ ग्रह है, तो अष्टम से अष्टम होने के कारण भी ये ज़्यादा नकारात्मक फल नहीं करता। किंतु ज्योतिष के उस सूत्र को ध्यान रखिए कि छठे, आठवें, बारहवें भाव का स्वामी कुंडली के किसी भी भाव में बैठ जाए, यानी विशेष रूप से शुभ भाव में, तो उस भाव के फल में कमी करते हैं। तो यहाँ पर शुक्र अष्टमेश होकर बैठेगा सप्तम भाव में, तो ये आयु के लिए भी शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि आयु का स्वामी कमजोर हो रखा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जातक अल्पायु होगा, लेकिन जातक के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शुभ फलदायी नहीं रहेगा, और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से तो यकीनन ये शुभ फलदायी नहीं होगा। ये अगर नीच का भी हुआ तब भी, और अगर इस पर पाप प्रभाव आ जाए तो आप ध्यान में रखिए कि यह शुक्र एक विवाह तोड़वा देता है। एक से अत्यधिक विवाह होने के बावजूद भी ये सफलता नहीं देगा, क्योंकि नेचुरली यहाँ पर ये पीड़ित होकर बैठेगा और बिजनेस में भी घाटा देगा, बिजनेस पार्टनर भी अच्छा खासा धोखा देने वाला मिलेगा। तो जब ये शुभ रहेगा तो शुभ फल करेगा, बुरा स्थिति में रहेगा तो बुरा फल करेगा। बुरा फल में ज़्यादातर स्थितियों में बुरा फल नहीं करेगा। हो सकता है कि आप शनि मंगल से डर रहे हो कि शनि मंगल की युति अथवा शनि मंगल की दृष्टि इस पर हो तो नकारात्मक हो। अगर ये पंचम या सप्तम का स्वामी होकर सप्तम में बैठा है, और पंचम का या सप्तम का स्वामी होकर शनि और मंगल में से कोई इसके साथ बैठा है या वही दृष्टि दे रहा है इसे, तो ये उच्च कोटि का प्रेम विवाह भी करवाता है और प्रेम विवाह भी सुखद देता है। जातक प्रेम विवाह करता है और प्रेम विवाह के बावजूद भी उसका वैवाहिक जीवन काफ़ी सुखद होता है। तो शुक्र केवल यहाँ पर हमने देखा कि शनि मंगल के साथ बैठा अथवा एक दो पाप प्रभाव में आ गया,
तो ये नकारात्मक फल करेगा, ये उचित नहीं है। उसके लिए हमें शुक्र के शुभ अथवा अशुभ फल के लिए उसके बल को भी देखना होगा। शुक्र नवांश कुंडली में कैसी स्थिति में है, डीव नाइन चार्ट में क्या स्थिति है, शुक्र का षडबल अष्टक वर्ग में क्या स्थिति है, इस पर शुभ अशुभ प्रभाव क्या है, उस कुंडली के लिए किस भाव का स्वामी है, ये सभी स्थितियाँ शुक्र के शुभ अथवा अशुभ फल पर निर्भर करता है।